स्वागत है आप सभी का एवन तेज में। आइए फटाफट नजर डाल लेते हैं खबरों पर। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल की मस्जिद में बम धमाका, ब्लास्ट में मस्जिद में इमाम सहित 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रूस के दौरे पर है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, मॉस्को में रूसी एनएसए की मुलाकात, बाइस्ट्रल रीजनल इंटरनेशनल इशू पर हुई चर्चा। जम्मू में फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हुई, ड्रोन से भेजे गए हथियार और गोला बारूद बरामद, तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने हमला करने पर एक आतंकी को किया ढेर। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बता दें कि जांच एजेंसी दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर करी छापेमारी। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना इलाके की उलाटी मार्ग पर 6 लाख की लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर दो दुकानों की लूट। कान्हा की नगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम मची, जहां जन्मभूमि जाने वाले रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी कलरफुल लाइटिंग से सजाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में महिला एसआई को प्रताड़ित करने के मामले में एसपी ने किया एक्शन, एसपी ने जांच के बाद सिपाही को किया निलंबित, वहीं आरोपी सिपाही की मदद करने वाली 3 हेड कांस्टेबल भी निलंबित। उत्तराखंड में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा बडोनी के उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में रही थी महत्वपूर्ण भूमिका। गुजरात फतेह की रणनीति में जुटे सीएम अशोक गहलोत, अहमदाबाद में की चुनाव अभियान की शुरुआत, पार्टी के पोस्टर का किया विमोचन, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा। मुख्यमंत्री गहलोत का गुजरात दौरा, मुख्यमंत्री ने जालौर की घटना को लेकर विधायक जिग्नेश मेवानी से की मुलाकात, उन्होंने कहा इस दुख में सभी समाज परिवार के साथ। पहलगाम में आईटीबीपी बस हादसे में सीकर का लाल शहीद, पैतृक गांव शाहपुरा में सुभाष चंद्र बैरवाल का अंतिम संस्कार, शहादत यात्रा में अपने लाल को विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। जालौर में छात्र की मौत और खाटू श्याम जी भगदड़ मामले को लेकर सीकर बंद रहा, विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन, खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के खिलाफ कार्रवाई और सस्पेंड अधिकारियों को बहाल कराने की मांग। बीकानेर के खाजूवाला में पुगल थाना पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने सरगना सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में चोरों ने 17 चोरी की वारदातें कबूली। नागौर कलेक्टर एसपी ने 4 पाकिस्तानी नागरिकों को दी भारत की नागरिकता, कलेक्टर एसपी ने 4 पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे, भारत की नागरिकता पाकर 4 के चेहरों पर खुशी का माहौल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार जारी बारिश के बाद चंबल नदी खतरे के खिलाफ 3 ऊपर 136 मीटर होने के बाद सीमावर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चूरू के साधनपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में पुजारी ने किया आत्महत्या का प्रयास, मंदिर के ट्रस्ट से परेशान होकर उठाया ये कदम, पूर्व अध्यक्ष के घर के बाहर खुद को जलाया, 60 फीसदी झुलसा, एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी। जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ की सीलिंग की कार्रवाई, जोन 4 महावीर नगर प्रथम के निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया सील, जेडी के नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध निर्माण कार्य रहा जारी। झालावाड़ के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत जबकि दूसरा युवक घायल, घायल का अस्पताल में इलाज जारी, वहीं सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा शव। सीकर के दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, मंडा गांव में एक ज्वेलरी की दुकान की चोरों ने साधा निशाना, दुकान में ताले तोड़ सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। झालावाड़ के मोटर गैराज हरिजन बस्ती के घर के बाहर बैठे युवक का पर फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, वहीं निशाना टूटने से बचा युवक, पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर के बस्ती तहसील में कच्चे छापेमार, घर में आग लगने से हड़कंप, सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर पाया काबू, किशनपुरा गांव की बताई जा रही घटना। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में पिता पुत्री का पवित्र रिश्ता शर्मसार, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही 11 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी मामले की जांच। अजमेर के किशनगढ़ में पशुओं में लंपी संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा लगा रहा है, इसके बावजूद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा।
सिरोही जिले में लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू के झरनों में पानी का तेज वेग चल रहा है। माउंट आबू में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 7 घंटे तक बारिश दर्ज की गई। अजमेर के विजयनगर में भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में कार घुसी, हादसे में कार सवार पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत। टोंक जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद सिंचाई विभाग के 30 में से 10 बांध ओवरफ्लो, वहीं गलवा सहित कई बांध लबालब होने के करीब, साथ ही बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक हो गई। अलवर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई। इस दौरान जलदाय विभाग और पुलिस से संबंधित समस्याएं अधिक आई। दातारामगढ़ के ग्राम पंचायत मड़ा सुरेरा में सरपंच नेम सिंह की उदासीनता के चलते स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आई, जहां मुख्य बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत सरपंच को समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन सरपंच नेम सिंह संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं देते। अलवर के नीमराणा क्षेत्र में पशुओं में लंपी वायरस का पहला मामला आया सामने। फौलतपुरा गांव में लंपी वायरस से गौवंश के शरीर में जगह जगह पड़े निशान, पशु चिकित्सा कर्मियों को मामले को लेकर आया। अब अजमेर के नसीराबाद शहर में सिंधी समाज ने थदड़ी का पर्व शीतला मात की पूजा धूमधाम से मनाया। कुआ पूजन करने के बाद माँ शीतला को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। भरतपुर के बयाना में जाटव महासंघ के जालौर में छात्र की मौत मामले में रैली निकालकर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निकाला जुलूस। जयपुर के रेनवाल इलाके की नांदरी राउमुवी में लगातार 2 दिन में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन, विद्यार्थी और अभिभावक कर रहे अंग्रेजी विषय की अध्यापिका को हटाने दूसरे को लगाने की मांग। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले को बढ़ता देख एक जांच कमेटी गठित कर धरना स्थल भेजा, कमेटी के सदस्यों का ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास रहा विफल। श्रीगंगानगर के मालसर के गांव 15 एनपी भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने लगाए सरपंच ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप, नाली निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप। जालौर में स्कूली छात्र की मौत मामले को बवाल, चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी ने किया चक्का जाम, जताया विरोध। झुंझुनू जिले में लगातार बढ़ रहा लंपी वायरस का खतरा, पशुपालन विभाग ने अब तक 192,399 पशुओं का सर्वे, जिले में अब तक 126 पशुओं को हुई मौत। झालावाड़ जिले के डग में बंद पड़ी निगम की बसों ने पुनः संचालन के लिए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, दोनों बसों को संचालन शुरू करने की मांग। बारा के कस्बा थाना विद्यालय में मनाया गया सद्भावना दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजन, छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों और सरपंच योगेश सहरिया ने ली प्रतिज्ञा। भरतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सारस चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग, सर्व समाज की ओर से ग्रामीण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलजी शर्मा के नेतृत्व में मंत्री को सौंपा ज्ञापन। लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए मेड़ता एसडीएम ने गौशालाओं का किया निरीक्षण, गौशाला संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौर जिले के दलित छात्र की मौत का मामला, धर्मराम देवाल के नेतृत्व में पादुकला में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लांडू हाईवे पर दौड़े रहे ट्रेलर का स्केटिंग हुआ फेल, सड़क से उतरकर पेड़ों में घुसा ट्रेलर, घटना ने चालक हुआ घायल, बड़ा हादसा होते होते चला। अजमेर के सावर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव पर्व, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्था प्रधान जतेंद्र जोशी थे। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण जन्मोत्सव की विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। केलवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश, गली मोहल्लों में बनी जलभराव की स्थिति, क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था नहीं। फिलहाल के लिए 29